का सफर और मैं हूँ आपकी मेजबान सना फैसल। औलाद ऐसी नेमत है जिसकी ख्वाहिश हर माँ बाप को होती है, लेकिन बाज़ औकात मुख्तलिफ मेडिकल या जेनेटिक मसाइल की वजह से ऐसे बच्चों की पैदाइश अमल में आती है जो जहनी या जिस्मानी तौर पर माजूर होते हैं। ये बच्चे वालिदैन के साथ सोसाइटी का भी अहम हिस्सा होते हैं, जिनकी परवरिश से लेकर तरबियत तक की जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। स्पेशल बच्चे खुसूसी तवज्जो और प्यार के हकदार होते हैं। वालिदैन के साथ माशरे की भी जिम्मेदारी है कि इनका ख्याल रखा जाए और हर किस्म का तहफ्फुज फराहम किया जाए। इन बच्चों की तालीम और तरबियत भी इतनी ही जरूरी है जितना नॉर्मल बच्चे की। स्पेशल बच्चों की तालीम के लिए मुल्क भर में मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं, जहां इनको पढ़ाई के साथ साथ दीगर चीजें, हुनर और खेल सिखाए जाते हैं। ये बच्चे असातिज़ा की सख्त मेहनत और अपने शौक की बदौलत आज बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। ये वो चिराग हैं जो देर से ही सही लेकिन रोशनी फैला सकते हैं और अपनी अहमियत को जमाने से मनवा भी सकते हैं। जहनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार बच्चे माशरे में एक अपनी अलग शनाख्त और अहमियत रखते हैं। इन स्पेशल बच्चों की तालीम और तरबियत भी आम बच्चों की तरह मुमकिन है। इस हवाले से कई इदारे शहर में काम कर रहे हैं। SRSC इदारा भी ऐसे ही नौनिहालों के लिए अपनी बेहतरीन खदमात सर अंजाम दे रहा है, जहाँ इनको तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, मुख्तलिफ हुनर और दीगर फिजिकल एक्टिविटीज भी करवाई जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ के बहुत से बच्चे इंटरनेशनल खेलों के मुकाबले भी जीत कर आ चुके हैं। किस तरह से इस इदारे की इंतजामिया इन बच्चों के लिए काम कर रही है, आइए जानते हैं। इस वक्त हम दी सोसाइटी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन शेयरिंग स्कूल में मौजूद हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म SRSC है, और हमारे साथ इस वक्त यहाँ की सदर मौजूद है, मैडम तलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल शुक्रिया बहुत। 35 साल पहले इस इदारे की बुनियाद रखी गई, क्या सोच थी और क्यों ये माइंड में आया कि जहनी तौर पर जो बच्चे माजूर हैं या जिस्मानी तौर पर जो बच्चे माजूर हैं वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं और उनके लिए भी कुछ करना चाहिए? ये एक बहुत ही छोटी सी सोच थी एक बेगम अख्तर सुलेमान की। उनके यहाँ एक बच्चा था जो बीमार था और उन्होंने इसको एक बच्चे से स्टार्ट किया और माशाल्लाह अब ये देखिए यहाँ पर पहुँच गया है। और असल में स्पेशल चिल्ड्रन जो हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड, अब उन्हें कहा जाता है, अब आप उनको स्पेशल नहीं कह सकते। तो ये चेंज आया है आहिस्ते आहिस्ते लोगों में, क्योंकि वो भी एक सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो फिर बढ़ते बढ़ते अल्लाह की शान ये हुई कि मिसेस सुरैया करनी, बहुत सारे मेम्बरान आए, फिर ये जगह ली गई। ये जगह 83 में, ये जो आप इतना बड़ी हिस्सा देख रही हैं जहाँ जहाँ हमारे मधु हैं, ये फिर बनी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और किस तरह से कमरे कमरे इसको सेट किया गया। और माशाल्लाह अब हमारे पास जाके बच्चे जो हैं स्पेशल, हर तरह के माजूर, जहनी तौर पे चलने की उनको प्रॉब्लम है, ज़्यादातर डाउन सिंड्रोम है, उनको हमने डिफरेंटली दूसरे दूसरे कामों में डाल दिया है। तो माशाल्लाह ये जबकि बुनियाद अभी रंग ला रही है। इस वक्त कितने बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करें? अब इस वक्त माशाल्लाह हमारे पास 70 से 80 बच्चे हैं। कोविड के वजह से कुछ कम आ गए, वैसे 100 थे, और ये रजिस्टर्ड बच्चे जो हमारे SRSC इदारे में आते हैं हमारी ही ट्रांसपोर्ट से, और हम उन्हें मुकम्मल फ्री यहाँ पे इलाज करते हैं। जब बच्चे यहाँ पर आते हैं एडमिशन लेने की, क्या चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं या हर बच्चे का एडमिशन हो जाता है? बिल्कुल नहीं, हमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हमारे पास इस वक्त एक डॉक्टर हैं, हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अदीना, वो पीर को आती हैं जिस दिन एडमिशन्स होते हैं। बाकायदा प्रॉपर एडमिशन होता है किस एरिया से बच्चे आ रहे हैं और उनकी क्या, उनको क्या प्रॉब्लम है। देखिए ऑटिज़म हम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सीरियस एलिमेंट है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उनमें वो कैपेसिटी है कि किसी को हार्म कर सकें, मारपीट, उनको हमें मना कर, बहुत दुख होता है मुझे। जिन बच्चों का एडमिशन होता है उनको उनकी सलाहियतों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है? वो बच्चे फिर एज वाइज तो हम उन्हें नहीं जान सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई 15 साल का तो उसकी मेंटल कैपेसिटी भी वही है। फिर वो बाकायदगी से उनको चार मुख्तलिफ जगह देखते हैं कि क्या वो फिजियोथेरेपी उनके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगी या स्पोर्ट्स मुनासिब रहेगा, या क्या वो क्लासरूम में आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड है।
इस वजह से हमारे पास स्पेशलाइज्ड टीचर खुद भी अपने इंटरेस्ट का बिल्कुल शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। किस एज से किस एज तक के? हाँ देखिए, हम एडमिशन ज़हनी माजूर या जिस्मानी तौर पे जो माजूर अफराद हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए 3.5 साल से हम एडमिशन लेते हैं, 3.5 साल से उनको लेना शुरू करते हैं, फिर एज लिमिट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कुछ बच्चे हमारे पास यहाँ पर 25 साल के भी फ़ोन आता है, तो मैं कहती हूँ देखें हम उनको वोकेशन में डाल दें, क्या वो वोकेशन कर सकते हैं, क्या वो ब्लॉक प्रिंट में जा सकते हैं, क्या वो तुम्हारे वीविंग में आ सकते हैं, तो इस तरह से उनको, इसलिए कि वी आर नॉट सिटिंग हियर टू से नो टू एनीबॉडी। जैसे कि आपने कहा कि जिन अफराद की उम्र ज़्यादा होती है उन्हें हम अपने वोकेशनल प्रोग्राम में जो है वो ऐड कर देते हैं, उसमें किस किस किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं? वोकेशन पे हमने बहुत जोर दिया है, क्योंकि ये बच्चे अब ये चाहेंगे कि मैट्रिक पास कर लें तो ये तो है ही नहीं, उनको तो अपना नाम नहीं लिख पा रहे, उन्हें तो 2+2 नहीं करना आ रहा। लेकिन यकीन करो अगर उन्हें हम कोई काम देते तो वो करना शुरू कर जाते हैं। मैं अगर आपको इस वक्त एक ज़रा सी चीज़ दिखा दूँ, ये अभी 10.5 गज कपड़ा बन के आया, जिस बच्ची ने बनाया ये बात नहीं कर सकती, इसको चलने में बहुत मुश्किल होती है, मेंटल लेवल उसका बहुत छोटा है, लेकिन उसका हाथ इस कदर कामयाब है कि ये कपड़ा उसने बुन के दिया है। और ये हाथ से बुना? ये हमारे पास खड्डी है, अब वो तुम्हें दिखाऊंगी। हमारे पास इस वक्त बताया मैंने ब्लॉक प्रिंट है, सब मेरी दोस्तों ने, हमारे खास खास मेहमान जो आते रहे उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। हमने खड्डियाँ लगा रखी हैं 2 अदद जिसमें कपड़े बुना जाता है, वो भी खास बच्चे बुनते हैं, उसके लिए भी हमने स्पेशल टीचर रखा है। यही तो हमारा डेफिनेटली पहले इसकी ट्रेनिंग होती होगी, तो उसके बाद ही ये इस तरह का मटेरियल तैयार कर पाते हैं। 4-5 बच्चों ने एकदम से पिकअप कर लिया, ये उनका उनका वो था जिसको कहना चाहिए कि उनमें अंदर था कि हम ये चीज़ सही, तो इससे वो अर्निंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, ये बात आपने बड़ी अच्छी की। हम लोग बहुत दिन सोचते रहे कि ये कर रहे हैं, इनके बच्चों को मैं क्यों ना पेमेंट करूं, तो हमारे ग्रुप ने हमारे ऑफिस में हमने बैठ के एग्जीक्यूटिव में डिस्कस किया, तो वी स्टार्टेड पेइंग देम माशाल्लाह 5,000 हम 5 बच्चों को यहां से उन्हें हम सैलरी देते हैं। आप क्या समझती हैं कि हमारी सोसाइटी को इस तरह के लोगों के साथ कैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए? बहुत हमदर्दाना रवैया। मैं तो सबसे ज़्यादा उनकी माओं को देती हूँ गोल्ड मेडल, जो कि यहाँ पर आके माएँ बैठती हैं। हमने वो भी एक अलग काम शुरू किया, क्योंकि माओं को भी कहीं काम पर लगाना था, वो बहुत दिक्कत करती थी, हर कमरों में घुसना शुरू हो जाती थी, तो हमने उनके लिए भी क्राफ्ट सेंटर खोल दिया। उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो काम जो जिस वक्त बच्चे आए हुए होते हैं तो माएँ भी बेकार ना हों, तो विमेन एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है हमारे यहाँ, 50 के करीब माएँ आ जाती हैं। आप क्या दुश्वारियाँ आती हैं उन्हें माहौल से मानूस करते हुए, उनकी ट्रेनिंग करवाते हुए? सबसे पहले उन्हें ट्रांसपोर्ट फ्री चाहिए। अच्छा, अब हमारे लिए ख़ास एक वो बना हुआ है मैप कि हम यहाँ से भेज सकते, अब हमको जी रूट्स बने। अब कोई बंदा इस वक्त मसलन एक बच्ची किमाड़ी से 3 बच्चे आ रहे हैं, अब हमारी गाड़ी किमाड़ी तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि कॉस्ट भी देखना, 3 ही बच्चे, तो फिर हमने अपने पास से एक हमारे पास फंड है जो हम उन्हें कहते हैं बच्चों को मना नहीं कर सकते, हमने कहा आप लेके आइए, वी विल प्रोवाइड यू विद ट्रांसपोर्ट, तो हम उन्हें थोड़ा बहुत फंड दे देते हैं उसके। रोज़ाना मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी, मुख्तलिफ बच्चों से, मुख्तलिफ लोगों से आप मिलती होंगी, कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन के पर्दे में नक्श होके रह गई हो और आप उसका जिक्र करना चाहें? एक बच्चा हमारे पास आया था, बिल्कुल ऐसा था कि हमें ये नहीं पता था कि दूसरे दिन इसकी याद भी रहेगी, इतना कमज़ोर और इतना बिल्कुल समझिए कि वो ऐसा था कि बस अब गया तभी, लेकिन आप यकीन करें कि उसके आने से और पता नहीं क्या हुआ, उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई कि जनाब वो हमारा बेस्ट स्पोर्ट्समैन बना, वो हमारे बच्चों को उसने माशाल्लाह वो लॉस एंजलिस भी गया बच्चों के साथ स्पेशल ओलंपिक में, और इस वक्त वो हमारे स्पोर्ट्स का 1 है। वो बच्चा मेरे लिए एक चैलेंज हो गया था कि हमें करके दिखाना है, और उसकी तरफ से भी बहुत वो थी माओं घर में जो उसके लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इंटरनेशनल खेलों में भी जैसे कि आपने जिक्र किया कि आपके इदारे से बच्चे यहाँ पे जाते हैं, तो कुछ और काबिल जिक्र बच्चों का जिक्र करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ से बहुत सालों से स्पेशल ओलंपिक जो है उससे रब्ता कायम है, वजह यह कि हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी जगह, तो हमने फ्री में जितने और हमसे मिलते जुलते इदारे यानी बहुत सारे हैं वहाँ से मुकम्मल फ्री बच्चे आकर यहाँ पे खेलते हैं, उसके वजह से कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है हमारे यहाँ? फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, आपके रनिंग है, एक इटालियन गेम उसका नाम है बॉची, और फिर बैडमिंटन है, बहुत से गेम्स हैं, बाकायदा ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे कैंप्स लगते हैं, टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो ट्रेनर यहाँ पर हैं
उनके हवाले से बताइएगा। भाई मैं बहुत प्राउड हूँ टीचर्स, इस हाल में टीचर्स जिस तरह से अपना वक्त देती हैं, उनके दिल में जब तक इस बच्चों का स्पेशल डिफरेंटली एबल्ड की उनके पास दिल में गुंजाइश नहीं होगी वो यहाँ नहीं आ। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं बेसिकली जो इस तरह के बच्चों को धुतकारते हैं, उनसे गलत रवैया रखते हैं, वो समझते हैं शायद ये माशरे का एक नाकारा वजूद है। भाई वो बच्चे भी इस दुनिया में आए हैं जिनके पास कुछ कमी है, उनको वो कमी ना समझो, उनकी वो चीज़ निकालो जो वो कर सकते हैं। हर बच्चे में एक हुनर है, उसको ले कर चलना है। और इसमें मैं माँ बाप का कहती हूँ कि उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक बाकायदा क्लास होती है, माँ बाप बच्चों को बैठाते हैं, माओं को उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है और ये कहते हैं कि तुम अपने अपने एरियाज़ में फैलाओ, अपने अपने एरियाज़ में जाके बताओ कि इन बच्चों को कमरे में ना छोड़ा जाए, इन बच्चों को भी जरूर, इनकी भी नरिशमेंट ज़रूरी है। जिनका भी मैडम तलत ने जिक्र किया था, परवीन आसिफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं और टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि टीचर्स के बगैर तो इन बच्चों की तरबियत और ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती। तो इनको कितना सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है, इनको कितनी मुश्किलात आती हैं, कितने जोश से, कितने जज्बे से ये काम कर रही होती हैं, तमाम चीज़ें जानेंगे। अच्छा, तब मैनेजमेंट जो है वो आप सुपरवाइज करती हैं तमाम चीज़ें? मैं करती हूं जी, मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूं और CEO भी हूं यहां की। तो बस ये है कि मैनेजमेंट ज़्यादा, मतलब हर चीज़ जो है वो लुक आफ्टर करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि बच्चे, अभी जिस तरह ट्रांसपोर्ट के कुछ मसले मसाइल थे तो मुझे उनको डील करना पड़ा कि भाई क्यों इस तरह का हो रहा है, कितने टाइम हमारी जा रही ट्रांसपोर्ट। इसी तरह फिर दूसरी हैं, अभी फिजियो नहीं हो रही किसी बच्चे की, तो वो हमें चेक करना पड़ता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, के क्यों नहीं बच्चे की ये हो रही। तो वो कुछ रीजंस होती हैं जो हमें पता लगानी पड़ती है, फिर उसके लिए हम देखते हैं। डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ भी होती हैं आप लोगों की? एग्जैक्टली। अब जिस तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अर्ली मॉर्निंग आते हैं बच्चे, प्रेयर होती है, मॉर्निंग प्रेयर के बाद दे हैव टू गो आउटसाइड, उसके लिए फिर वो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स के बाद मतलब वो देन कम बैक टू देयर क्लासेस, अपनी क्लासेस में आके फिर उस तरह जो जो जिस क्लास में है, जिस तरह बच्चे वहाँ के हैं, खड्डी के हैं, वो खड्डी में चले जाते हैं, एंड देन ब्लॉक प्रिंटिंग वाले वो वहाँ चले जाते हैं, और अपने फिजियो फिर आता है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आती हैं, वन बाय वन बच्चों को लेके जाती हैं। तो दो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं यहाँ पे, तो उनको फिर बच्चों को इस तरह पर स्पीच की अपनी होती है, वो बच्चों को अपने पास बुलाती हैं स्पीच को। इसी तरह हम वोकेशनल थेरेपिस्ट हैं, वो बच्चों को अपना वो करवाती हैं, बच्चों को प्रैक्टिस देती हैं। हमारे साथ और भी टीचर्स मौजूद हैं। आपका बेसिकली क्या सब्जेक्ट है? मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, डिफरेंट स्कूल्स के साथ 30 साल का अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा है। तो आजकल बहुत इंक्लूसिव टीचिंग की बात हो रही है, मेरा का हम यहाँ वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर मैं आती हूँ। इनको माशरे के साथ हमें मिलाना है, इनको वो ही बनाना है जो दूसरे बच्चे कर रहे हों। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको भी कोई चीज़ सिखाना बहुत मुश्किल होता है, तो इन बच्चों पे मेहनत करना होती है, इन बच्चों के को सिखाते हुए समझाते हुए बहुत पेशेंस का मुजाहरा करना होता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए इन बच्चों के साथ, मगर सबसे ज़्यादा इनको इनका पॉजिटिवली आप इनको लव जो देते हैं ना, वो फिर एक रिवॉर्ड बन के आता है। बहुत स्पेशल बच्चे हैं एंड दे नीड अ लॉट एंड लॉट ऑफ लव एंड अटेंशन। यहाँ ये क्लासरूम है जहाँ पर एक मदर है जो कि अपने बच्चों को कुछ सिखा रही हैं, क्या एक्टिविटी कर रही हैं, आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर आप, मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर कि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स भी मौजूद हैं जो कि खुद अपने बच्चों की यहाँ पे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उनको कुछ सिखा भी रहे हैं। तो आप अभी क्या एक्टिविटी कर रही हैं? एक्टिविटी का ये मैं आर्ट का इसका करवा रही हूँ इस लड़की से, ये इंटर्नशिप पे आई हुई है यहाँ पर, तो ये मेरे एक तरह से हेल्पर बनी हुई है। आपके बच्चे हैं यहाँ पर? जी, मेरा एक बेटा है यहाँ पर। अच्छा, वो स्पोर्ट्स में है। अच्छा, क्या नाम है उनका? उसका नाम है अहमर आमिर। आपको किसने बताया यहाँ का, आप उन्हें कब लाई, और अब जब लाई थी तब उनकी कंडीशन क्या थी और अभी कैसी है? मुझे यहाँ पे आते हुए 9 साल हो चुके हैं। मैं उसे गोद में लेकर आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उसमें अवेयरनेस आ चुकी है, वो इतना सेंसिबल हो चुका है कि वो अपना बहुत सा काम बहुत ईजिली कर लेता है। पहले मैंने फर्स्ट टाइम एम्ब्रॉयडरी का काम किया था, मैम को मेरी एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद आई थी, एम्ब्रॉयडरी से फिर मैं एक तरह से इम्प्रूव करती गई, तो फिर अब मैं आर्ट के काम पे आ चुकी हूँ।
यहाँ बच्चों को मैं आर्ट वर्क सिखाती हूँ और जो सेंसिबल होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कर लेते हैं। ये बास्केट बना रहे थे दो बॉयज़ जो सेंसिबल होते हैं, उन्होंने ये ईजिली खुद ही फ्लावर बनाए हैं कटिंग करके, रेफ फ्लावर बहुत अच्छे ईजिली उन्होंने बना रहे हैं। ये देखें आप, ये एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, जो बच्चे जो डिसेबल बच्चे हैं वो यहाँ पर इस तरीके से फ्लावर्स बना रहे हैं, ये देखें आप। और अभी ये कम्प्लीट होगा, जब कम्प्लीट होगा तो फिर हम इसको देखते हैं जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, उन बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मारिया। अच्छा मारिया, क्या लिख रही हैं आप? काम लिख रही हैं। और ये है क्या, ये जो बना रही हैं आप, ये क्या है और ये किस चीज़ की तस्वीर है? चश्मा बना हुआ है, बिल्कुल। ये एन और एन से ऐनक, ऐनक, जरा एन बना के दिखाएं मुझे। बिल्कुल परफेक्ट है, ज़बरदस्त। कौन सी टीचर है आपकी? अच्छा, ये टीचर है आपकी? मिसंजो। मिसंजो डांटती तो नहीं आपको? मज़ा आता है आपको पढ़ने का? कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पोर्ट्स। अच्छा लगता है स्पोर्ट्स? कौन सा स्पोर्ट अच्छा लगता है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल अच्छी लगती है, बास्केटबॉल। ठीक है, चलें जी और भी बच्चों से बात करते हैं। और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा, आप कितने साल की हैं? 40। और अभी आप क्या सीख रही हैं? लिख रही। सही, आप अपना नाम लिखें, ज़रा मुझे नाम लिख के दिखाएं अपना। देवी। कमला देवी। अच्छा, कमला क्या पढ़ रही हैं आप? मैंने अपना नाम लिखा। सही, और क्या क्या लिख लेती हैं आप? मैंने स्कूल का नाम है कराची शेम ने। आप कहाँ रहती, कहाँ है कराची? मैं गार्डन ईस्ट पे रहती हूँ। क्या आपका क्या नाम है? इस क्लास को हैंडल कर रही है मैं संजू। मैं अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पे क्या दुश्वारी क्या आती है इन बच्चों को पढ़ाते हुए? इन बच्चों को थोड़ा सा बिहेवियर का ये होता है कि उनको ज़्यादा ही अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। अब एक बच्चे को हम अटेंशन देते हैं तो दूसरी चाहती है कि उससे तो थोड़ा सा बिहेवियर उनका बिगड़ने लगता है, जलेबी होने लगी उनको, कि बस मैं मुझे ही टीचर बात करें और काम करने का बहुत सही बात आपको इनकी समझ में आ जाती है जिस तरह से जो कह रहे होते हैं। अब जैसे वो बच्ची यशुमाला, वो कह रही थी मिस अंजुम बोल रहा था मिशी अंशु, इस तरह से हमको समझ में आ जाती है, सबको नहीं लेकिन बेहतर हो गई इसकी। वो बच्ची है माँ, हम वो बहुत छोटी सी आई थी लेकिन अब माशाल्लाह सही है। तो यहाँ पर बेसिकली इनको सही से बोलना सिखाया जाता है, बोलने का भी है, स्पीच थेरेपी रूम है वहाँ, हम लोगों को भेजते हैं 20 किसी का 20 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स उन लोगों की इसके सीवियरिटी के हिसाब। सही है, और भी क्लासेस आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। स्पीच थेरेपिस्ट भी अंदर चलते हैं। आप स्पीच थेरेपी करती हैं, क्या दुश्वारी आती है आपको? यहाँ पर हम लोग तकरीबन सेरेब्रल पेल्सी डाउन सिंड्रोम ये बच्चे ज़्यादा हैं जिनके साथ हम लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। हेयरिंग इम्पेयर तो एक ही बच्चा है लेकिन अस्सलाम वालेकुम, ये सलाम कर रहे हैं, देखिए जी ये सलाम कर रहे हैं। सिंह अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? मुँह से भी थोड़ा बहुत बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, इनके हवाले से बताएं। हसनैन, आप कैसे सलाम करते हो बेटा? नो नॉट लाइक दिस, अस्सलाम। इसकी स्पीच बहुत क्लियर नहीं है लेकिन ये है कि राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, फर्स्ट द फर्स्ट स्टेप, एंड देन आई एम वर्किंग ऑन साउंड्स, कि वो किस तरह से साउंड्स को पहचानता है और साउंड्स निकालने की कोशिश करता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई वर्क ऑन अपने दोस्त का नाम सीखा है। क्या नाम है? मतलब दो हफ्तों में इतना हो गया कि इसको अयान का नाम काफी हद तक आ गया है। अयान कहाँ है भाई? दूसरी क्लास में? सही, चले जी और भी क्लासरूम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड माय नेम इज शाइस्ता इमरान। हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स पर काम करता है, इसके अलावा हम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस, मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, सोशलाइजेशन, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, इन सब पर हम वर्क करते हैं एंड मैनेज ऑल लाइफ स्टाइल ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। ये जो मौजूद है इनके हवाले से थोड़ा सा बताइए मुझे। ये हमना है, स्पेस्टिक सीपी है और इसकी स्पेस्टिसिटी को रिलीज करने के लिए हम इसको मुख्तलिफ फंक्शनल एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्सरसाइज देते हैं ताकि हमें रिक्वायर्ड मूवमेंट्स मिल सके। और इसके फिंगर्स दाओ बेटा, हम ना इधर दिखाइए, ये जो फिंगर्स हैं ये देखिएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस्टिक है तो मैं इनको ऐसी एक्टिविटी देती हूँ। सही है, इसके जरा करके बताएं। आगे देखो, आगे देखें, सामने देखो, सामने। हम ना क्या कह रही हैं आप, इससे क्या होगा?
हाथ सीधे होंगे, गुड, जबरदस्त। आप चाहती हैं हाथ सीधे हो? हाँ। क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? हमना ही अच्छा लगता है। भाई बड़ा प्यारा सा क्यूट सा इन्होंने जवाब दिया, इनको बड़े होकर हमना ही बनना अच्छा लगता है। आइए आपको और बच्चों से मिलवाते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी लगाए हुए हैं बच्चों के, यहाँ पर लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, कलर हुआ हुआ है, पूरी पेंटिंग हुई हुई है जिसमें मुख्तलिफ बच्चे हैं जो एक पिकनिक इन्जॉय कर रहे हैं, उनके टॉयज़ वगैरह यहाँ पे रखे हैं, इनकी क्लास टीचर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे कितनी एज से कितनी एज तक के बच्चे इस क्लासरूम में होते हैं? 5 ईयर्स से लेकर आप मतलब 10-12 साल तक की एज के बच्चे होते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक्स की एक्टिविटी हो रही है, बच्चे जो है वो ब्लॉक्स खेल रहे हैं। फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं वो वीक होते हैं, तो उस हिसाब से हम बच्चों को लेके चलते हैं, तो उनकी पेंसिल ग्रिप सिखाई जाती है, उनको ब्लॉक्स उनको खिलाया जाता है, इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको, मतलब कि खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है। चलिए जी, बच्चों से भी थोड़ा सा इंट्रैक्शन करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपा। दीपा, अच्छा आपका क्या नाम है? नोआ। और ये आप क्या बना रहे हो? क्या बना रही हो? चलो जल्दी से घर बनाओ। ये एक और क्लासरूम है और यहाँ की क्लास टीचर से बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाता है और ये कौन सी क्लास है? ये जो है ना, ये सीनियर बच्चे हैं, इसमें एज ग्रुप के हिसाब से हम इनको बिठाते हैं और फिर डील भी उसी तरह से करते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले चिल्ड्रन हैं ये, और इनको एक ही जैसे हम काम नहीं दे सकते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हम इनको देते हैं। हर बच्चे के हिसाब से उसका अपना सिलेबस बनाया जाता है कि इनको कैसे पढ़ाना है? हर बच्चे के अलग सिलेबस, क्योंकि एक ही लेवल के तो नहीं है ना सारे, सब डिफरेंट लेवल्स के बच्चे होते हैं, तो उनके हिसाब से हम देखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं और क्या इनका इंटरेस्ट है। शिव, क्या बनना है बड़े होके? फौजी। फौजी बनना है, वेरी नाइस भाई, ये बच्चा बड़े होके फौजी बनेगा भाई, बेस्ट ऑफ लक। और चलते हैं, आपको और दिखाते हैं इससे पहले, क्योंकि जब हम उनसे मैडम से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें शुरू में बताया था, उन्होंने हमें एक फैब्रिक दिखाया था कपड़े का, और उन्होंने कहा था कि ये भी यहीं पे तैयार हुआ है, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इस रूम के हवाले से बताएं, यहाँ पर जो है वो ब्लॉक प्रिंटिंग भी हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी हो रही हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? ये डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है हमारा एट SRSC, उसमें हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर हम एम्पावर करते हैं हमारे बच्चों को के टू अर्न अ लाइवलीहुड फॉर देमसेल्फ, स्किल्स सिखाते हैं उनको, और वो फिर सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाते हैं इसके थ्रू। वी हैव टू ब्लॉक प्रिंटिंग स्टेशंस हियर, तो ये ब्लॉक प्रिंट इनको सिखाया जाता है, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, फ्रॉम नैपकिंस टू टेबल रनर्स, दुपट्टे। वी हैव टू ब्लॉक प्रिंटर्स हियर, वो लोग इनको ट्रेन भी करते हैं, और ओवर द ईयर्स दे हैव एक्सेल्ड इन दिस फील्ड, और उनको हम स्टाइपेंड भी देते हैं। ऐसे थोड़ा आगे चलते हैं, ये बताते हैं ये क्या हो रहा है। आसान है बनाना, मुश्किल है? नहीं, आसान। मजा आता है आपको? जी। कितना टाइम लगता है बनाने में? वो तो बनाने के ऊपर है ना। कितने मीटर कपड़ा लगाना पड़ता है या क्या धागे लगाने पड़ते हैं, किस तरह से होता है ये? ये 10 गज मीटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूं, आप कैसे हैं? अच्छा, आप खुद मेरी आवाज़ समझ में आती है मैं जो बोल रही हूँ? जी। पता चल रहा है आपको? जी। ये आपको शौक है? जी। कितने टाइम में सीखा आपने? ये 5 महीने लगे। आसान है मुश्किल है? नहीं, अभी पहले मुश्किल था, अभी आसान हो। ये देखें कितनी महारत से कर रही हैं, और इसमें कितना ज़्यादा जो है वो दिमाग हाजिर रखना पड़ता है कि एक धागा 6 दफ़ा होगा और एक जो है वो 2 दफ़ा होगा। क्लासरूम में ये क्लास एक्टिविटी चल रही है, डिफरेंट एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेते हैं, मींस कि फिर इनके दिमाग भी जो है ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, क्योंकि ये लूडो खेल रहे हैं, हमारे कुछ बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पजल्स बना रहे हैं, तो हमें तो इनके दिमाग पे ही काम करना है ना। जो 5 एरियाज हैं हमारे पास, कम्युनिकेशन और जो है सोशलाइजेशन,
फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, तो हमें उस पर वर्क करना है इनका, ताकि ये लोग चेंज हों। माशाल्लाह से बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए हुए हैं, अमेरिका, एथेंस और दुबई, इंडिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जीत के मेडल आए, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या कर रहे हैं भैया? लूडो खेल रहे हैं। मजा आ रहा है? आधी मजा आया है। कौन जीत रहा है? हाँ, मैं जीत रहा हूँ। आप जीत रहे हैं? हाँ। आप जीत गए? ये जीत रहे हैं। अच्छा, ये केयरी आपकी है? केयरी मैं ना शायद अफ्रीकी का गांव का हुआ है। मैं ना फुटबॉल खेलता हूँ अभी ना, मैंने बाहर के ना एशिया सर गेम आया ना, मैं ना सही मेहनत करना चाहता हूँ। मैं अब हम जिस रूम में मौजूद हैं, यहाँ पे फिजियोथेरेपी की एक्टिविटीज़ होती हैं और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सजेस्ट किया जाता है, ये सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सजेस्ट किया जाता है कि उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है? बहुत सारे डॉक्टर की तरफ से रेफर्स होते हैं और बहुत हम सेल्फ असेसमेंट करवाते हैं, यहाँ पे आकर करवाते हैं। सारी टीम जो है उसकी असेसमेंट करती है, फिर उसके बाद उसको स्कूलिंग के लेवल्स पे जहाँ जहाँ पे डिवाइड करना होता है, ऑक्यूपेशनल के लिए, फिजियो के लिए, स्पीच के लिए, वहाँ वहाँ रेफर करते हैं। स्कूल के बच्चे हैं उनकी भी सुबह में मॉर्निंग में सेशन होता है, उसके बाद जो आउटडोर जो है वो हम डील करते हैं। रेगुलर जो है वो फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, फिर पिक एंड ड्रॉप भी आप लोगों की तरफ से होता है? जिन रूट्स पे हमारी गाड़ी जाती है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पिक एंड ड्रॉप है, और जहाँ पर नहीं जाती वो फिर आपस में एक दूसरे से शेयर करके आते हैं। पे फिजियोथेरापिस्ट हूँ, यहाँ पे जितने भी मेल बच्चे हैं और बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपी करता हूँ। फिजिकली इम्पेयर्ड में हम लोग मैनुअल थेरेपी करते हैं, जैसे हाथों से कोई एक्सरसाइज वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरी ये कि जैसे जो लोग एक्टिव हैं, खुद से जो चीज़ें कर सकते हैं उनको जिम की तरफ लेके आए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उनको वेट ट्रेनिंग भी करवा रहा हूँ मैं, ताकि उनका वेट कम हो सके। फिजिकली इम्पेयरमेंट भी होता है, अगर वेट ज़्यादा हो जाए तो उनके बच्चों के बैलेंस के इशूज़ आ जाते हैं, अगर वेट उनका कम करेंगे तो बैलेंस इशू उनके सही हो जाते हैं। उससे ये होता है कि उनको चलने में जो दुश्वारी होती है वो उनकी थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ पर बच्चों को किस तरह से हुनर सिखाया जाता है, रजाक साहब से जानते हैं? अच्छा, ये क्ले मौजूद है यहाँ पर? ठीक है, बच्चे खुद बनाते हैं? जी हाँ, खुद ही बनाते हैं, फिर आप उन्हें पेंट करना सिखाते हैं? जी हाँ, मैं उनको सिखाता हूँ। ये पहले मिट्टी के बर्तन बनाना, जो भी चीज़ें, चिड़िया वगैरह। ज़्यादा शौक से क्या बनाई जाती है चीज़ें? ज़्यादा शौक से चिड़िया ज़्यादा बनाई जाती है, और ये बेल्स हैं, ये गोलियाँ बनाते हैं बच्चे, मालाएं बनाते हैं हम लोग। कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम भी करते होंगे, मुनफरद काम भी करते होंगे? जी हाँ, माशाल्लाह हमारी ये हिना बच्ची है, ये अच्छा करती है, एक नौशीन है, दूसरे भी बच्चे हैं माशाल्लाह कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ गेम्स हैं, पढ़ाई भी करवाई जा रही है, हर बच्चे को उसके मेंटल लेवल के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं मिट्टी है करती हूँ। मज़ा आता है आपको? कितने सालों से कर रही हैं? बहुत सारे, सारा दिन करती हूँ। बास्केटबॉल खेलती हूँ, अभी ये करती हूँ, अभी बास्केटबॉल खेलना, अभी काम करना। मज़ा आता है आपको? बहुत मज़ा आता है। एसआरएससी इदारे में बेशुमार बच्चे काबिल असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी अपनी तालीम और हुनर सीखने का अमल जारी रखे हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस अदारे से सीख कर आज साहिब रोजगार हो चुके हैं और माशरे में खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। इनकी कामयाबी दर हकीकत इस अदारे की बेहतरीन काविश है जो आज सबकी नज़रों के सामने है। नाज़रीन, हमारे साथ तौसीफुल हसन की वालदा मौजूद हैं। तौसीफुल हसन जब 7-8 साल के थे यहाँ आए थे, इनकी वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कैसे आपको पता चला कि जो तौसीफ़ हैं वो स्पेशल चिल्ड्रन हैं? मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम कभी इससे गुजरे ही नहीं थे, मतलब ना देखा था बच्चों को इस तरह से। तो मुझे जो वहाँ पे मैंने इसको स्कूल गार्ड्स पब्लिक में दाखिल करवाया ना, तो ये मुसलसल मतलब 1-2 साल वहाँ जाता रहा लेकिन नहीं समझ पा रहा था। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझे बोला कि आपका बच्चा जो है ना ये यहाँ नहीं चलेगा, आप इनको किसी स्पेशल बच्चों के स्कूल में दाखिल करवाए। मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने यहाँ का मतलब मशवरा दिया, तो फिर मैंने यहाँ जब दाखिल करवाया तो ये यहाँ आके माशाल्लाह से इनकी जो मिस हैं अमरीन, वो काफ़ी दोस्ताना बच्चों से मोल रखती हैं, तो उनकी वजह से ये यहाँ गोल मिल गया। और यहाँ से फिर इसने आगाज़ किया पढ़ाई के साथ साथ, मतलब पढ़ भी लेता था, लिख भी लेता था यहाँ जिस तरह से वो पढ़ाते थे, तो यहाँ से फिर इसने स्पोर्ट्स में कदम रखा, तो ये माशाल्लाह से फिर आगे बढ़ता गया। जैसे स्कूलों में पहले मुकाबले हुए, फिर शहरों में,
फिर सूबों में हुए, जब हमारे चारों सूबे में हुए तो फिर इसने वहाँ पे 2 गोल्ड मेडल लिए और 1 सिल्वर मेडल लिए। तो जब शुरू शुरू इन्होंने कहा कि मैं इस तरह साइकिलिंग रेस में हिस्सा ले रहा हूँ तो आप घबराई, हेजिटेट हुई? तो मुझे डर तो था कि स्पोर्ट्स में जाना एक और बात होती है और आम साइकिल चलाना एक और बात होती है, लेकिन ये बचपन से ही ना गाड़ी का शौक़ रखता था, जैसे रिमोट है तो उसको भी गाड़ी बना लिया, कोई चीज़ भी मिली उसको साइकिल बना लिया, तो वो था कि साइकिल ही अच्छे से चलाता था। जब रिश्तेदारों में इधर उधर लोगों को पता चला होगा, लोगों की क्या रिस्पॉन्स उनका कैसा था? जी वो बात ठीक है कि हम जिस माशरे में रहते हैं उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो ये है कि हम अगर उनकी बातें सुन के तो रुक जाएँ तो फिर हम मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। अल्लाह पाक ने आज इसको इस मकाम पे ला खड़ा किया है कि ये हमारी पहचान है, हम इसकी पहचान नहीं है कि भाई हम इसके माँ बाप हैं तो ये हमारे नाम से हम इसके नाम से जाने जाते हैं। पहला मेडल जब लेकर आए तो क्या तासुरात थे आपके, कैसा सोच रही थी? माशाल्लाह बहुत मतलब खुशी का दिन था वो हमारे लिए, तो उस दिन भी हम इतने मुश्किल से गुजरे थे कि आधी रेस पे जब पहुंचा था तो फिर एकदम से इसका वो पैडल जो है ना वो एकदम से निकल गया, फिर ये एक दफ़ा गिर गया, बहुत मतलब सख्त गिरा मुकाबले के दौरान ही ना, इसके यहाँ पे पूरी अंदर बाहर तक चोटें लग गई। आप लोग तो हिम्मत हार चुके होंगे। जी लेकिन ये नहीं हिम्मत हारता था, ये मुकाबला माशाल्लाह से जीत गया, फिर ये अमेरिका के लिए सिलेक्ट हुआ। 500 किलोमीटर की जो रेस थी पहली वो भी इसने फर्स्ट पोजीशन से विन किया, मतलब गोल्ड मेडल विन किया, फिर एक 10 किलोमीटर की थी उसमें भी इसने गोल्ड मेडल विन किया, फिर एक इसने ब्राउन मेडल विन किया, 3 मेडल ये अमेरिका से लेके आया माशाल्लाह से। सही, अब आप फ़ख्र करती हैं? हम तो माशाल्लाह से जितना भी फ़ख्र करें ना कम है, तो इसके लिए ऐसा है कि जैसे यहाँ स्कूल के लोग और जहाँ पे अब ये जॉब कर रहे हैं या हम लोग, जैसे सारे लोग इन बच्चों को आगे ले कर चलें तो इन बच्चों में इतनी एबिलिटी होती है कि ये बहुत स्पेशल होते हैं। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त तौसीफ़ुल हसन मौजूद हैं, कैसे हैं तौसीफ आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा कहाँ होते हैं आजकल आप? मैं आजकल इत्तेकाफ़ुल पाकिस्तान में जॉब कर रहा हूँ। सही, उसमें एज ऑफिस बॉय फोटो कापी वगैरह या मेल्स हो गई या और कहीं अगर चेक वगैरह है तो वो दे के आना है, कहीं अगर साथ में होटल है बराबर में या और मतलब छोटे मोटे काम होते हैं या कोई गेस्ट आ गया तो उसको मीटिंग में छोड़ के, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ना? जी जी जी, तो माशाल्लाह इतना टाइम हो गया है और काम में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कहता हूँ कि दीगर और भी जितने बच्चे हैं और भी छोटे बच्चे हैं उनको भी अपना नाम एक जो है ना वो बुलंद करने का एक मौका मिले। जो भी आप काम करें चाहे वो छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के मरहले बहुत सारे होंगे, उन मरहलों में कई दफ़ा आपकी हिम्मत भी टूटी होगी। मैं जब यहाँ पे स्कूल में जब आया था, मुझे हमारी मतलब जो हम मदर के दोस्त हैं तो उन्होंने बताया था कि हमारे एक स्कूल है, यानी कि बच्चे हमारे जो बहुत अच्छा माशाल्लाह उन्होंने एक विन किया है इंडिया अमेरिका या और मतलब जगह पे विन किया, तो आप भी इस स्कूल में हिस्सा लें, स्कूल में हिस्सा लें और जो है आपका भी नाम इंशाल्लाह जो है वो आएगा। तो मैंने जब स्कूल में हिस्सा लिया तो माशाल्लाह हमारी जो समरीन है, हमारी तलत हाशमी है और उनमें, फिर 2015 में फिर मेरा अमेरिका के नाम आया था, तो मैं अमेरिका गया था, मैंने माशाल्लाह फिर वहाँ से विन किया साइकिलिंग में, तो 2 गोल्ड मेडल में लेके आया था। तो पहली जो रेस थी वो कितने मीटर की रेस थी जो आप जीते? मेरी जो पहली जो रेस थी वो 10 किलोमीटर की थी। लगता था आप जीत जाएंगे? जो अगर मैदान में उतर जाए तो फिर हार और फिर जीत क्या, फिर बंदा कहता है कि जीतना है जीतना है। फिर अब अपनी फैमिली को भी आप सपोर्ट करें? जी माशाल्लाह मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा हूँ और अपने दीगर जो और भी जो हैं सबको जो है माशाल्लाह सपोर्ट कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि वो हिम्मत ना हारें, अपना हौसला बढ़ाए रखें और अपने वालदैन का और अपने दीगर जितने भी लोग हैं उनको एक मौका दें कि ताकि वो भी इस ज़िंदगी का वो भी हिस्सा बने। बच्चे हम सबके प्यार और खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, जिससे इनकी शख्सियत की बेहतरीन तश्कील होती है और ये आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हो जाते हैं कि खुद अपने सारे काम कर सकें। इनकी तरबियत में वालिदैन के साथ असाज़ा का बहुत बड़ा हाथ होता है जो इनकी कारकर्दगी को दुनिया के सामने लाते हैं। ऐसे तरबियती इदारे यकीनन काबिल तारीफ हैं जो इन मासूम फूलों को महकाने में अहम किरदार अदा करते हैं।
अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपकी आवाज बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और सच का सफर की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।